रवि, कंचन आई आओ। हाँ। बड़ी शर्मीली है तुम्हारी शादी। हाँ। न जाने कब से दरवाजे पे खड़ी अंदर आने की सोच रही थी। अब तबीयत कैसी? छाई बरखा बहार परे अंगना द्वार सैया आके गले लग जा। आशा पारेख एक मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो खासकर 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइनों में से एक थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नाचने और अभिनय का शौक था, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। आशा पारेख ने 1952 में एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्म माँ से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो से उन्हें असली पहचान मिली। इस फिल्म में वे शम्मी कपूर के साथ नजर आईं और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जैसे जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो और आन मिलो सजना। आशा पारेख अपनी फिल्मों में चुलबुले और खूबसूरत किरदार निभाने के लिए जानी जाती थी। उनके डांस का भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वे शास्त्रीय नृत्य में माहिर थी। उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते, जिनमें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड शामिल है। खासकर फिल्म कटी पतंग में उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्मों के अलावा आशा पारेख ने टीवी की दुनिया में भी काम किया। उन्होंने टीवी सीरियल्स का निर्माण और निर्देशन किया, साथ ही उन्होंने लंबे समय तक सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। 2002 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। आशा पारेख आज भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल में अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है।